नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पर यादव महासभा ने करा विरोध दर्ज कराया। यादव महासभा के अध्यक्ष अजय यादव ने यह बताया कि कथावाचक मुरारी बापू के विरोध में राज्य भर में मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और उनका विरोध भी किया जाएगा। बड़े भाई बलराम और उनके जो परिजन हैं उनके खिलाफ बहुत ही इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है अपने कथावाचन आस्था चैनल के माध्यम से। उसके खिलाफ हमारे अखिल भारतीय युवा यादव महासभा प्रदेश से लेकर के हमारे जितने भी जिला कमेटी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग अपने गृह जिला में, जो लोग थाना के माध्यम से, जहां थाने में अगर हमारा केस नहीं लिया गया है वो लोग अदालत के माध्यम से, सब लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और अखिल भारतीय युवा यादव महासभा बिहार इकाई बहुत कड़ी निंदा करती है और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करती है कि इनके खिलाफ कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, इनको हिरासत में लेकर के जेल में डालें और जो ठेस पहुंचा है श्री कृष्ण को धर्म के रूप में अपना आस्था रखने वाले या यादव महासभा से जुड़े लेकर पूरे देश में जो लोग हैं, जो भावना को ठेस पहुंचा है, उसके खिलाफ इनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। और खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।